नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथ फाइंडर में, जहां हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, वैकेंसीज और एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक अन्य पोस्ट के बारे में जो डेप्यूटेशन के द्वारा की जाएगी। दोस्तों, पोस्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और कंप्यूटर साइंसेस इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और पीएचडी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों वो है 10 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी और ई गवर्नेंस, आईटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ई गवर्नेंस आईटी, होल्डिंग एन एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैटरे और डिपार्टमेंट विद 2 ईयर्स सर्विस स्टैंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन अ रेगुलर बेसिस इन पोस्ट इन लेवल 13 रुपीज 1,23,100 to 2,15,900 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department, with 6 year service standard after appointment there too on a regular basis in level 12 rupees 7,08,800 to rupees 20,09,200 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. जो दूसरी पोस्ट है दोस्तों वह डिप्यूटी डायरेक्टर आईटी। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी, कंप्यूटर साइंसेस इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और दूसरी जो है दोस्तों वह है मास्टर्स और पीएचडी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस जो होना चाहिए आपके पास इस पोस्ट के लिए वो है 8 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी ई गवर्नेंस, including 4 year experience in e-governance IT implementation of projects, holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department with 2 year service standard after appointment there to on a regular basis in post in level 13 rupees 1,23,100 to 2,15,900 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre। एड्रेस जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं दोस्तों वो है नेशनल अथॉरिटी, 3rd floor, tower 1, जीवन भारती बिल्डिंग, कैनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली 11001, अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ दोस्तों। अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न, एनेक्शर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग व अन्य के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 56 साल। वैकेंसी सिर्फ 2 ही है दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है, तो आप गिवन एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं और आप इनकी वेबसाइट www.nha.government.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 22 जनवरी 2022 और लास्ट डेट है दोस्तों 7 फरवरी 2022। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है दोस्तों, जो लास्ट डेट है वो है 7 फरवरी। उसी के साथ यहाँ पे आपको दिया हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो एक पोस्ट है और डिप्यूटी डायरेक्टर की भी एक ही वैकेंसी है, तो टोटल 2 वैकेंसी है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ भेजनी होगी दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें और आपको पोस्ट के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, सारी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन है, तो आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें दोस्तों। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके गिवन एड्रेस पर भेजना है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे एक रिप्लाई बॉक्स गिवन है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।